हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और इसमें हमने रूट के बारे में, स्टेम के बारे में पढ़ लिया। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। तो आज हम फ्लावर के बारे में शुरू कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में, फ्लावर की स्ट्रक्चर, फ्लावर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो सब हम अब शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो कि है हमारा फ्लावर। फ्लावर को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, नहीं पाए जाते, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और फ्लावर्स भी आपने देखे होंगे, कई प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, कई कलर के होते हैं, कई शेप के पाए जाते हैं फ्लावर्स। तो आप लोगों ने अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो देखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, फ्लावर्स फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, द फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम बाय ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर के नीचे एक जो है डंडी सी लगी होती है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, तो उसको पेडिसिल कहा जाता है। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, फ्लावर की पिक्चर दी हुई है, ये जिस ये लगा हुआ होता है ना, इसको पेडिसिल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक इज समवट स्मॉलर, यानी कि जो क्या कहते हैं, स्टॉक के ऊपर का जो पार्ट होता है थोड़ा सा वो फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है। देखिए, आपको फिर से मैं बुक में दिखाती हूँ किस पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, This swollen part of flower are arranged in rings or whorls on the thallamus. इस पार्ट के अंदर जो है कुछ रिंग्स पाई जाती हैं, है ना, रिंग्स यानी कि कुछ घेरे पाए जाते हैं। ठीक है, Some flowers do not have a pedicel. कुछ फ्लावर के अंदर पेडिसिल भी नहीं पाया जाता, पेडिसिल जो भी मैंने दिखाया था जिससे फ्लावर अटैच होता है, पेडिसिल भी नहीं पाया जाता। एंड आर कॉल्ड ससाइल फ्लावर्स, जिन फ्लावर्स के अंदर पेडिसिल नहीं पाया जाता उनको क्या कहा जाता है, ससाइल फ्लावर्स। ठीक है, आगे देखिए, देखिए बच्चों आगे, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने सभी ने फ्लावर्स तो देखे हैं, लेकिन कभी उनके पार्ट्स नहीं देखे होंगे कि उनके अंदर कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। देखिए, जो फ्लावर के मेन पार्ट्स होते हैं वो मेन पार्ट 4 पार्ट होते हैं, जो मेन होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, ये तो मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो ये देखिए, ये सेपल, और ये मैंने भी आप लोगों को इससे पहले बताया था, पेडिसिल, पेडिसिल जिस जहां पर ये फ्लावर जुड़ा हुआ होता है, और ये जहां पर ये सेपल जुड़े हुए हैं, सेपल के नीचे का जो बेस होता है वो हमारा थैलेमस कहलाता है। ठीक है, उसको हम थैलेमस कहते हैं। चलिए अब अपने जो हमारे फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सेपल्स, देखिए आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जब ट्री के ऊपर या प्लांट के ऊपर फ्लावर लगा हुआ होता है तो उसके नीचे कुछ छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती हैं, तो वही जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो सेपल्स कहलाती हैं, उनको सेपल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये सेपल्स जो है हमारे जो फ्लावर है इसको
एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है, जो इसका वर्ल है ये वर्ल में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पेटल। पेटल यानी कि जो फ्लावर का कलरफुल जो पार्ट होता है, फ्लावर कलरफुल होते हैं ना, कलरफुल पत्तियां पाई जाती है ना उसके अंदर, तो वो जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, कलरफुल जो लीव्स होती हैं, वही हमारे जो फ्लावर के हैं वो पेटल्स कहलाते हैं, उनको पेटल्स कहा जाता है। हर कलर के होते हैं, किसी में ग्रीन, ओ सॉरी, किसी में पिंक, किसी में रेड, किसी में येलो, है ना, तो वही हमारा क्या है, वो पेटल्स कहलाते हैं। और ये जो पेटल्स है ये वर्ल्स में पाई जाती है, यानी कि वर्ल यानी कि एक के इस तरीके से जुड़े हुए घिरे, मतलब एक घेरे में पाई जाती है, रिंग सी बनी हुई होती है। ठीक है, और ये हर फ्लावर में जो है अलग अलग कलर की होती है। आप लोगों ने सभी ने फ्लावर्स देखे होंगे, तो सभी में ये अलग अलग जो है कलर की पाई जाती है और वर्ल्स में लगी हुई ये होती है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टैमन। ये देखिए स्टैमन, आप लोगों ने कभी चाइना रोज का प्लांट देखा होगा, चाइना रोज के प्लांट में आपने देखा होगा साइड से जो है लंबी लंबी सी ट्यूब से निकली हुई होती है, एक ट्यूब बीच में होती है और साइड में कुछ ट्यूब से निकली होती है, और उसमें छोटे छोटे से येलो कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स से पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो वो उनको ही हम स्टैमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमन। और स्टैमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये प्लांट का सॉरी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे मेल और फीमेल होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसी प्रकार से ये जो है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने अलग से इसकी पिक्चर बनाई हुई है, ये एक स्टैमन की, यहाँ से यहाँ देखिए, जो एक स्टैमन होता है उसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए एक दो, ठीक है, और नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए ऊपर की तरफ आप लोगों को ये कुछ सर्कल्स में कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये इनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं ये। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, छोटे छोटे से, आपने चाइना रोज के प्लांट में बहुत अच्छे से साफ साफ दिखाई दे जाते हैं ये। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के नीचे वाला जो पार्ट है, इधर ये नीचे वाला जो पार्ट है जहां पर ये जुड़ी हुई है, ये है हमारा एंथर, इसको एंथर कहा जाता है। और ये जो पूरा एक पूरी लंबी सी आप लोगों को एक ट्यूब सी नजर आ रही है, ये है, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो स्टैमन के कितने पार्ट हुए? पोलन ग्रेन, एंथर एंड फिलामेंट, ये थ्री पार्ट्स हो गए हमारे स्टैमन के। और स्टैमन क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। आगे देखिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर का वो है पिस्टिल। पिस्टिल आप लोग बीच का जो ये पार्ट देख रहे हो, ये वाला इतना, यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट आप लोग बीच का पार्ट देख रहे हो, ये सब है पिस्टिल। और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है फ्लावर का। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है जो है प्लांट का। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर दिखाई है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, आगे देखिए, ये जो आप लोगों को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको कहते हैं स्टाइल।
और यहाँ पर जो आपको ये स्वोलन सी स्ट्रक्चर, फूली हुई सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो जो हमारा पिस्टिल है, पिस्टिल के भी थ्री पार्ट हो गए, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इधर जो है स्टैमन के भी थ्री पार्ट्स हैं, पोलन ग्रेन, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो स्टिग्मा नजर आ रहा है आपको, स्टिग्मा, यहां पर ये जो पोलन ग्रेन है, ये छोटे छोटे से इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ये यहां पर जो है इसके स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं फ्लावर के। ठीक है, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ये आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, ये हवा के द्वारा आ सकते हैं, या एनिमल्स के द्वारा, या जो बटरफ्लाई वगैरह फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो उनके पैर में चिपक के, तो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन्स आ गए। तो ये पोलन ग्रेन्स जो है इस ट्यूब से, यानी कि स्टाइल से होते हुए यहाँ इस ओवरी के अंदर जो है एंटर करते हैं। ठीक है, और इस ओवरी के अंदर जो है फीमेल जो है, फीमेल पार्ट, सॉरी, फीमेल जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक जो है आप लोगों को फ्लावर की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। तो आप लोगों को यहां तक आज बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।